हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल थिंग्स विद लिटिल वन। और आज का वीडियो है कॉन्स्टिपेशन की होम रेमेडीज़ के बारे में। जनरली जब बेबी 6 मंथ तक के होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है, बट जैसे ही हम सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं बेबीज़ में कभी ना कभी तो कॉन्स्टिपेशन होता ही है, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो मेरे लिए काम करी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अप टू 6 मंथ बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है। इनफैक्ट अगर बेबी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही लाइट होता है एंड उसे डाइजेस्ट करना बहुत ही ईजी, बेबी ब्रेस्ट मिल्क को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बट अगर बेबी फॉर्मूला फीडिंग पर है या फॉर्मूला फीडिंग प्लस ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बट एज सून एज आप सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़रूरी होती है। एंड विथ सम डाइटरी चेंजेस और कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने वाली हूँ, जब अगर आपको लग रहा है बेबी कॉन्स्टिपेटेड है तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में आपको बेबीज को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि डाइटरी चेंजेस करना। सो अगर बेबी फॉर्मूला फीडिंग पर है तो आप फॉर्मूला का ब्रांड चेंज करके देखिए, हो सकता है वो फॉर्मूला बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ा सा हार्ड हो रहा हो, उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो कई बार फार्मूला का ब्रांड चेंज करने से बेबी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आपने सॉलिड से स्टार्ट कर दिए हैं तो कोशिश करिए कि बेबी के मील में आप फाइबर एनरिच फूड इंक्लूड करिए, जैसे कि फ्रूट्स, पियर हो गया, प्लम हो गया, पीचेस हो गए, एप्पल हो गया, ये सब फाइबर एनरिच फूड होते हैं। इससे बेबीज़ को कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी रिलीफ मिलता है एंड आगे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए एटलीस्ट दिन में एक बार तो आप उसे फ्रूट ज़रूर दीजिए, फ्रूट्स की प्यूरी दीजिए, या फिर अगर आप बेबी बड़ा बेबी है तो आप उसे डायरेक्ट नॉर्मल फूड भी, नॉर्मल फ्रूट्स भी दे सकते हैं। के बाद आप होल ग्रेन फूड इंक्लूड करिए, जैसे कि ओट सीरियल हो गया, ब्राउन राइस सीरियल हो गया, तो ये सारे जो फूड होते हैं, रागी हो गया, ये जो सारे फूड होते हैं ये फाइबर में एनरिच होते हैं एंड बेबीज़ को इनसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है बेबीज़ को फ्रूट जूस देना। तो अगर आपने सॉलिड्स स्टार्ट नहीं भी किए हैं और बेबी में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप उन्हें 2 चम्मच फ्रूट जूस दे सकती हैं। फ्रूट आप पियर्स का जूस दे दीजिए, आप एप्पल को स्टीम करके एप्पल का जूस या एप्पल के प्यूरी बनाकर दे दीजिए, आप ऑरेंज जूस दे सकती हैं, प्रून जूस। प्रून तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप प्रून जूस बेबीज़ को दीजिए या प्रून्स खिलाइए, बेबी को कॉन्स्टिपेशन एनी वेज नहीं होगा। तो आप ये फ्रूट जूस दीजिए बेबी को, उससे तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेबी को वेल हाइड्रेटेड रखिए। तो अगर आपने अगेन सॉलिड स्टार्ट कर दिए हैं तो आप बेबी को पानी पिलाइए, बार बार पानी पिलाइए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो भी ट्राई करिए कि खाने के बाद आप उसे पानी पिलाइए। सुबह उठकर अगर आप उसे थोड़ा सा पानी देंगी तो बेबी के लिए ये दिन भर के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप बेबी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उन्हें वेल हाइड्रेटेड रखिए, जितना भी हो उनका लिक्विड बढ़ाइए, जूसेस दीजिए, मिल्क दीजिए, पानी दीजिए, इन सब से बेबीज़ को कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेबी की टमी पे मसाज करना और उन्हें कुछ एक्सरसाइज करवाना। तो जब भी आप बेबी के मालिश कर रहे हैं या मसाज कर रहे हैं, या अगर आप नहीं भी मालिश करते हैं तो आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेबी की टमी पर ऐसे 10 बार आप मसाज करिए, इससे बेबी को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा उन्हें कुछ एक्सरसाइज करवाइए, जैसे कि आप ऐसे साइकिलिंग एक्सरसाइज करवाइए, आप उनसे थोड़ी सी एक्टिविटी करवाइए, उन्हें कुछ खिलाइए। तो इन सब एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ करने से भी बेबी को स्टूल पास करने में ईजी होगा। नेक्स्ट है गर्म पानी से बेबी को नहलाना। तो गर्म पानी से क्या होता है, बेबी की मसल्स रिलैक्स हो जाती है एंड कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बेबी को थोड़ा पेन हो रहा होता है, तो वो जनरली स्टूल पास नहीं करते हैं एंड कॉन्स्टिपेशन का जो तकलीफ है या कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ता जाता है। तो अगर आप गर्म पानी
से उन्हें नहलाएंगे, जैसे कि आप एक बाथ टब ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस वार्म वाटर लीजिए, उसमें बेबी को थोड़ी देर बिठाइए या उससे नहलाइए, तो उससे बेबीज़ की मसल्स थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी। एंड उसके बाद आप ट्राई करिए उन्हें पॉटी करवाने का। जनरली बेबी गर्म पानी के बाद अगर कॉन्स्टिपेशन है और आप बाकी सारी चीज़ें भी कर रहे हैं तो स्टूल पास कर देते हैं। अगर ये सब कुछ बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है एंड बेबी को 2-3 दिन हो गए हैं, बेबी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, या स्टूल पास करने में आपको लग रहा है कि थोड़े ब्लड स्ट्रीक्स दिख रहे हैं, तो आप उससे ग्लिसरीन सपोजिटरी दे दीजिए। तो ये एक टाइप का कैप्सूल ग्लिसरीन होता है, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, आप बेबीज़ के लिए बोलेंगे। ये कैप्सूल आपको यूज़ करना कैसे है वो ऑलरेडी उसके बॉक्स पर लिखा होता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप उसे यूज़ कर लीजिए। विद इन 10-15 मिनट्स बेबी स्टूल पास कर देगा। एंड उसके बाद आप बाकी सारी स्टेप्स, जैसे कि उनकी डाइटरी चेंजेस लाइए, फाइबर इंक्लूड करिए, बाकी सारी चीज़ें करिए जिससे कॉन्स्टिपेशन आगे प्रिवेंट हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जब कुछ भी वर्क ना करे तभी आपको ये ग्लिसरीन सपोजिटरी यूज़ करना है, बिकॉज होता क्या है, बेबीज़ को इसकी कई बार आदत लग जाती है एंड बेबी स्टूल पास नहीं करते हैं जब तक आप उन्हें ग्लिसरीन नहीं दे। तो आप ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो पहले स्टेप्स बताई हैं वो ट्राई करिए, एंड जब बहुत दिन हो गए हैं और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तभी आप ये स्टेप लीजिए। देखिए, मैं कहूँगी कि आप अगर ऑलरेडी बेबीज़ की डाइट में कुछ चेंजेस लाएंगे, फाइबर एनरिच फूड रखेंगे, उन्हें फ्रूट्स देंगे, फ्रूट जूस देंगे, तो ऑलरेडी बेबी को कॉन्स्टिपेशन कम होगा एंड आपको ये बाकी सारी मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।